Yes, students. Now I am explaining the third exercise of our topic, lesson number 18, short form. What's the topic here? Rewrite each short form in full. आपको जो short form में दिया है इस sentence में उसको full में लिखना है, मतलब उसका full form करना है. Now look here. First example is here. Where's the ball? Where apostrophe is the ball? Okay? तो हम कैसे लिखेंगे? Where is the ball? क्वेश्चन सेंटेंस जैसे है वैसे ही आई एम राइटिंग द आंसर्स. लुक हियर, आपको कैसे लिखना है? वेयर इज द बॉल, ये कैसा सेंटेंस है? क्वेश्चन सेंटेंस है, लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता ही है. ओके, इट इज कंपल्सरी. नेक्स्ट सेकेंड वाला रीड करती हूँ. द बॉल एपोस्ट्रोफी इज गॉन इन टू द पॉन्ड. तो हमने देखो यहाँ पे बॉल के बाद क्या आ रहा है? गॉन. द वर्ब जो है किस फॉर्म में? गो, वेंट, गॉन, दैट इज वी थ्री फॉर्म में. सो मैंने आपको क्या बोला है? जब भी वर्ब वी थ्री फॉर्म में आता है सेंटेंस में, यू विल पुट हैज. ओके, वी थ्री फॉर्म है तो यहाँ पे ये आंसर कैसे? द बॉल हैज गॉन. देखो इसे कैसे लें? द बॉल हैज गॉन इन टू द पॉन्ड. ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे. ओके, और जहाँ पे आपने शॉर्ट फॉर्म चेंज किया है यू हैव टू अंडरलाइन हिट. ओके, एग्जाम में द बॉल हैज गॉन, द बॉल अंडरलाइन किया यहाँ पे द बॉल ऐसे. देन थर्ड वन, वी एपोस्ट्रोफी डबल एल नीड अ लॉन्ग स्टिक टू गेट इट आउट. तो इसको हम कैसे? एपोस्ट्रोफी डबल एल किसका शॉर्ट फॉर्म है? विल. तो कैसे लिखेंगे? वी विल नीड, वी विल. ओके, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे. फिर बाकी का नीड अ लॉन्ग स्टिक टू गेट इट आउट पूरा लिखेंगे. देन फोर्थ वन, देयर एपोस्ट्रोफी इज अ बिग स्टिक इन द शेड. तो एपोस्ट्रोफी इज बाजू में कोई वर्ब नहीं है, सो दैट इज देयर इज. क्या है ये? देयर. और एपोस्ट्रोफी इज का क्या होता है? आई एस इज अ बिग स्टिक इन द शेड. देन फिफ्थ वन, यू एपोस्ट्रोफी डबल एल गो एंड गेट इट वॉन्ट यू. तो यू डबल एपोस्ट्रोफी डबल क्या हो जाएगा उसका? यू विल, यू विल. ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हुआ फुल फॉर्म. ओके, गो एंड गेट इट वॉन्ट यू है उसका क्या हो जाए? विल नॉट यू. क्या हो जाए? Will not you. Then you have to put it underline. Okay, won't का ये हुआ will not. Then next, no, I won't. You can't catch the ball with a stick. तो no, comma, I will not. Won't का क्या होता है full form? Will not. I will not. Underline करो. Then you can. Can't का क्या होता है? You cannot. और cannot हम एक ही वर्ड में लिखेंगे. You cannot catch the ball with a stick. पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. Then seventh one, you apostrophe are foolish. You don't know how we double apostrophe double L do it. तो you double R E apostrophe का क्या होता है? You are foolish. Okay, you don't का क्या होता है? Do not. You do not know. Underline करो. No, how we will. We double apostrophe है ना, तो we उसका क्या होता है? We will do it. Okay, अब क्लियर हुआ ना अब आपको कैसे करने हैं फुल फॉर्म्स में. फुल फॉर्म मतलब जो शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं उसके हिसाब से आपको उसके फुल फॉर्म को लिखने एंड अंडरलाइन इट. ओके, दिस इज योर एक्सरसाइज. यस, नाउ हियर इज अवर फोर्थ एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच पैर. पैर मतलब क्या होता है? जोड़ी होती है. ओके, तो हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है उसके दो फॉर्म्स दिए. ओके,
यू हैव टू टिक द करेक्ट सेंटेंस, आपको जो सेंटेंस प्रॉपर फॉर्म में है उसको टिक करना है. फर्स्ट देखो आप, फर्स्ट वाला, यू आर एन टायर्ड बट आई एम, ओके. नेक्स्ट वाला भी देखो, यू आर नॉट टायर्ड बट आई एम. अब दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? यू जो है उसके साथ नॉट नहीं लगता है, जैसे फर्स्ट वाले से देखो यू आर एंट है, ओके, दैट इज द राइट फॉर्म. यू करके जो प्रोनाउंस होते हैं आर रेंट, ये फॉर्म राइट है. यू आर ये नेगेटिव फॉर्मेट बाद में ही आता है, ओके. और यहाँ पे सेकेंड वाला एग्जाम्पल यू एपोस्ट्रोफी आर ही दिखा है, यू आर नॉट टायर्ड बट आई एपोस्ट्रोफी एम, तो दैट इज रॉन्ग. फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट दैट इज राइट. देन सेकेंड वाला, शी कैन नॉट डांस बट ही कैन, और सेकेंड वाले में देखो शी कैन नॉट डांस बट ही कैन. तो फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कैन नॉट देखो आप, कैन नॉट कवर देखिए. यहाँ पे स्प्लिट फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कैन और नॉट दोनों कंबाइंड लिखे हैं, है ना, कैन नॉट कंबाइंड लिखा है, और दूसरे में क्या लिखा है? कैन और नॉट स्प्लिट करके लिखा है. सो विच इज़ द राइट फॉर्म फॉर कैन नॉट? दिस. सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइट. नेक्स्ट, इट्स हॉट डे, इट्स हॉट टूडे, लेट्स लेट और लेट्स गो स्विम, पर लेट्स के साथ जो एपोस्ट्रोफी लगना चाहिए वो नहीं है. सेकेंड वाले, इट्स हॉट टूडे, लेट्स गो एंड स्विम. देखो सेकेंड में क्या है, आई इट इज हॉट टूडे, उसका ही शॉर्ट फॉर्म लिखा इट्स हॉट टूडे. लेट्स, लेट्स के बदले में एल ई टी एपोस्ट्रोफी एस लगा है, फर्स्ट वाले में नहीं है. सो ये एल ई टी एपोस्ट्रोफी एस वाला सेंटेंस जो सेकेंड है दैट इज द राइट सेंटेंस फॉर्म. नेक्स्ट, ही एपोस्ट्रोफी एस इज पंजाबी बट हिज वाइफ इजंट, हिज वाइफ इजंट अ पंजाबी बट ही इज. अब हमें कौन सा लग रहा है अच्छा, ठीक लग रहा है हमें प्रोनाउन जो ही इज अ पंजाबी बट हिज वाइफ इजंट, वो वाला ठीक है, क्योंकि हिज वाइफ इजंट पंजाबी ऐसे नहीं आता है, ओके. नाउन है, उसके बाद जो आता है हमारा हेल्पिंग में वो आता ही है, सब्जेक्ट नहीं आ जाता है, हिज वाइफ नहीं आता है. नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, नैन्सीज अ न्यू ड्रेस बट लूजी हैज नॉट, लूजी हैजंट अ न्यू ड्रेस बट नैन्सीज. देखो नैन्सी एपोस्ट्रोफी एस है तो हम उसको कैसे रीड करेंगे, नैन्सी हैज अ न्यू ड्रेस बट लूजी हैजंट, ये प्रॉपर फॉर्म है. नेक्स्ट वाले में आप रीड करके देखो, लूसी हैज नॉट अ न्यू ड्रेस बट नैन्सी हैज, ऐसे नहीं होता है ना, फर्स्ट वाला ठीक है. नाउ आई विल वी विल मे सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज मेक सेंटेंस यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स. मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाने हैं बाय योर ओन, जरूरी कि कोई मैं ही बनाऊ. आपको जो भी सेंटेंस सिंपल लग रहा है वो शॉर्ट फॉर्म वाले उसमें आप कर सकते हो. आई एपोस्ट्रोफी एस, ओके, फर्स्ट वाला जो है हमारा फिफ्थ में वो क्या है, आई एपोस्ट्रोफी एम, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आई एम. ऐसे भी लिख सकते हो आई एम अ गर्ल, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, आई एम अ गर्ल. एनी हाउ आपको ये वर्ड यूज करना है. देन सेकेंड वाले में देखो क्या है, ही एपोस्ट्रोफी एस, उसका क्या बनता है, ही हैज भी बनता है और या फिर ही इज, एनी हाउ यू कैन यूज इट, ओके. तो ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ऐसे भी लिख सकते हो. ही हैज अ पेन, ही हैज अ न्यू पेन या न्यू ड्रेस, कुछ भी लिख सकते हो, ओके. देन थर्ड वन, डी ओ एन एपोस्ट्रोफी टी, क्या है ये, फुल फॉर्म क्या है, डोंट, टीचर क्लास में बोलते हैं डोंट टॉक, राइट डाउन, डोंट वर्ड यूज हो गया ना, यू कैन राइट डाउन सिंपली. द नेक्स्ट, वी एपोस्ट्रोफी वी ई, दैट इज वी एपोस्ट्रोफी वी ई का फुल फॉर्म क्या है, वी हैव, वी हैव अ न्यू कार, लिख सकते हैं, ओके. वी हैव थ्री पेंसिल्स. देन दे एपोस्ट्रोफी एल, एपोस्ट्रोफी डबल एल, इसका क्या फॉर्म है, दे विल,
they will come to my house today. They will go for a cinema. Okay? Then next. It's. उसका फॉर्म क्या है? It is. It is my pen. या फिर it's my pen. ऐसे भी लिख सकते हो. Okay? Next. Can't. Can't का फॉर्म क्या है? Cannot. तो I can't read in Tamil. ऐसे हम लिख सकते हैं. I can't dance. तो I cannot dance. ऐसे भी लिख सकते हो या फिर can't use करके करना तो भी कर सकते हो. ओके? तो I, he, she कुछ भी लिख सकते हो. ओके? He can't walk. Then won't. Won't का फॉर्म क्या होता है? Won't का क्या है फुल फॉर्म? Won't काम कैसे करेंगे? I won't give you my new pen. I won't give you my new dress. I will not come with you. Anyhow, you can write down. Okay? Then ninth is you are. उसका form क्या हुआ? You और are. इसका भी लिख सकते हो. You are my friend. या फिर उसका full form करके भी लिख सकते हो. You are my friend. Then next, haven't. Haven't का full form क्या होता है? Have not. Okay? I haven't brought my lunch. I haven't done my homework. Okay? Haven't आ रहा है तो आप V3 form use करोगे. Okay? So this is your exercise. We have finished. Thank you.